नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भविष्यवाणी। और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा, जो आज आपको बताएंगे आपके राशि के अनुसार आपका आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है, क्या उपाय आपको करने चाहिए, किन किन चीजों से आपको सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरह से आपके आने वाले सप्ताह में सावधानी बरत के आपको बचना चाहिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। ओम नमः शिवाय। वंदे देव उमापतिम सूर्यगुरुम, वंदे जगत्कारणम, वंदे पन्नगभूषणम रगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्यशशांकवह्निनयनम, वंदे मुकुंदप्रियम, वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदम, वंदे शिवम शंकरम। नमस्कार। मेष राशि, मेष राशि के जातकों को मानसिक शांति तो रहेगी परंतु खर्चों की अधिकता से परेशानी भी रहेगी। संतान को स्वास्थ्य विकार भी हो सकते हैं और माता से धन की प्राप्ति हो सकती है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा, धर्म कर्म में व्यस्तता बढ़ सकती है। आपके लिए उपाय है, आप मांस मदरा के सेवन से बचें, भगवान सूर्य को अर्घ दें। पंडित जी, मेष राशि वालों को ज्यादा खर्चे से बचने के लिए क्या करना चाहिए? अपने फिजूल खर्ची से उनको थोड़ा बचें, विशेष ध्यान दें, खरीदारी समय ना करें और खान पान का रहन सहन का ये जो उनका है, ये स्वास्थ्य के प्रति भी उनको सावधानी बरतनी होगी। चलिए पंडित जी, अब रुक करेंगे वृष राशि का। जी, वृषभ राशि वालों का मन अशांत रहेगा, आत्मविश्वास में कमी आएगी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, बातचीत में संयत रहें, आय में कठिनाइयां आ सकती हैं, जीवन साथी को भी स्वास्थ्य का विकार हो सकता है, वाहन के रखरखाव पर खर्चा बढ़ेगा, वाहन खराब होने की आशंका है, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। आपके लिए उपाय है, आप प्रातःकाल रविवार को बर के बट वृक्ष, बर का पेड़, इसके 108 परिक्रमा लगाएं। चलिए पंडित जी, बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों को आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा परंतु मानसिक तनाव हो सकता है। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम भी मिलेंगे, परिवार का सहयोग मिलेगा, किसी मित्र की मदद से आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं, खर्चों की अधिकता रहेगी, संचित धन में कमी आएगी और खान पान में सचेत रहने की आवश्यकता है। आपके लिए उपाय है, आप शनि मंदिर में दिया जलाएं। पंडित जी, अगर मिथुन राशि वालों को नौकरी में किसी तरह की परेशानी हो रही है तो उनको क्या उपाय करना चाहिए? उनके लिए उपाय है, गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर, कृष्ण मंदिर हो, विष्णु मंदिर हो, एक केला की या केला की जड़ में भी चावल और पीले फूल को पीले कपड़े में लपेट के उसकी जड़ में दबा दें या मंदिर में रख दें और पुजारी के लिए कुछ दक्षिणा दें, उससे उनके लिए निश्चित ही सफलता मिलेगी। चलिए पंडित जी, अब बात करेंगे कर्क राशि की। जी, कर्क राशि, मन में निराशा और असंतोष के भाव रहे, नौकरी में कठिनाइयों का सामना पड़ सकता है, स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं, खर्चों में वृद्धि होगी, परिवार का साथ मिलेगा, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, परिश्रम अधिक रहेगा, आपके पिता को भी स्वास्थ्य का विकार हो सकता है, अधिकतर स्वास्थ्य विकार में उदर संबंधी परेशानी हो सकती है। आपके लिए उपाय है, आप कोई भी छींटदार कपड़ा जरूरतमंद बच्चे के लिए दें। पंडित जी, अगर कर्क राशि वालों को किसी तरह की आर्थिक परेशानी हो रही है तो उसके लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? उसके लिए उन्हें गन्ने के जूस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराएं, आर्थिक समस्या हल हो। चलिए पंडित जी, अब बात करेंगे सिंह राशि की। जी, सिंह राशि वालों को आशा और निराशा के मिश्रित भाव रहेंगे, आत्म संयत रहे, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, कभी गुस्सा आ रहा है कभी एकदम पिघल गए, ये आपकी मानसिकता हो सकती है,
नौकरी में परिवर्तन की संभावना बन रही है, तरक्की के भी योग बन रहे हैं, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा और आपको कुछ अपने पुराने मित्रों से भेंट हो सकती है। आपके लिए उपाय है, आप श्वेत वस्त्र धारण करें और बृहस्पतिवार को व्रत करें। पंडित जी, लेकिन अगर सिंह राशि वाले जातकों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, वो कम करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? उसके लिए उन्हें अपनी कनिष्ठा उंगली में मोती, चांदी में मोती की अंगूठी बनवा के पहननी चाहिए। चलिए पंडित जी, बात करेंगे कन्या राशि की। जी, कन्या राशि के जातकों का मन अशांत रहेगा, आत्मविश्वास में कमी आएगी, संयत रहें, अपनी भावनाओं को अपने बस में रखें, भवन सुख में वृद्धि होगी, आपके पिता को भी स्वास्थ्य विकार हो सकती है, नौकरी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, आय में कमी आ सकती है और अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखें। आपके लिए उपाय है, बुधवार के दिन हरी मूंग हरे कपड़े में लपेट कर जरूरतमंद के लिए दान करें। पंडित जी, अगर कन्या राशि के जातकों को किसी तरह की परेशानी नौकरी में आ रही है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? उसके लिए उन्हें अपने वजन के बराबर अन्न का तुला दान करना चाहिए। चलिए पंडित जी, अब बात करेंगे तुला राशि की। जी, तुला राशि के जातक आत्मविश्वास से लवरेज रहेंगे, मन में शांति और प्रसन्नता के भाव रहेंगे, वस्त्रों के प्रति रुझान बढ़ सकता है, लेखनादि बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी, कारोबार की स्थिति में सुधार तो होगा परंतु आय की स्थिति यथावत रहेगी, अपनी सेहत का ध्यान रखें। और आपके लिए उपाय है, आप अपने घर से दही और गुड़ खा करके बाहर निकलें। पंडित जी, अगर तुला राशि वालों के घर में किसी तरह की कोई परेशानी चल रही है तो उसके लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? जी, इसके लिए उन्हें शुक्रवार के दिन 5.25 किलो चावल शिव मंदिर में रखने चाहिए। चलिए पंडित जी, बात करेंगे वृश्चिक राशि की। जी, वृश्चिक राशि के जातक संयत रहें और क्रोध और आवेश के अतिरेक से उन्हें बचना चाहिए, वाणी में कठोरता का प्रभाव रहेगा, बातचीत में संतुलित रहें, शैक्षिक कार्यों में कठिनाइयां आ सकती हैं और कुटुंब परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं, भाई बहनों का साथ मिलेगा, वस्त्रों पर खर्च बढ़ सकते हैं, शॉपिंग बहुत करेंगे। आपके लिए उपाय है, आप काले तिल की खीर बनाकर, काले तिल की खीर दूध में मिलाकर बनाकर गंगा में या किसी अन्य नदी में उसको चढ़ाएं। लेकिन पंडित जी, वृश्चिक राशि वालों को अगर ज्यादा गुस्सा आता है, क्रोध आता है, उसे कम करने के लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? उसको कम करने के लिए उन्हें थोड़ी देर अपना एकाग्र मन से चिंतन करना चाहिए, अपने गुरुओं का ध्यान करना चाहिए। चलिए पंडित जी, अब अगली राशि की बात करेंगे, धनु राशि की। जी, धनु राशि के जातक आत्मविश्वास से लवरेज रहेंगे परंतु उनका अति उत्साही होना भी इतना अच्छा नहीं है, अति उत्साही होने से बचें, धैर्यशीलता में कमी रहेगी, पारिवारिक जीवन कष्टमय हो सकता है, कुटुंब के किसी बुजुर्ग से धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, कारोबार का विस्तार भी होगा और लाभ के अवसर भी मिलेंगे और मित्रों से मदद भी मिलेगी। आपके लिए उपाय है, आप शनिवार को एक गोले में कशार बूरा मिला के आटा उसमें बंद करके उसको चींटियों वाली जगह में थोड़ा गड्ढा खोद के उसको दबा दें, उससे आपको काफी लाभ होगा। लेकिन पंडित जी, अगर धनु राशि वालों को जिंदगी में किसी तरह की लव लाइफ में परेशानी हो रही है तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? उन्हें अपनी प्रेमी की बात को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और उसकी बातों को अमल भी करना चाहिए, अपना जो उनका रवैया है उसको बदलें। चलिए पंडित जी, हम मकर राशि की बात करेंगे। जी, मकर राशि के जातक आपकी वाणी में सौम्यता रहेगी, वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी और वाणी के ही प्रभाव से आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, परंतु आपकी पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती है, रहन सहन कष्टमय हो सकता है, आय में कमी और खर्च अधिक की स्थिति में रहेगी, कारोबार में किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। आपके लिए उपाय है, आप अपने भाई की यथास्थिति मदद करें, आपका भाई अगर किसी आपत्ति में है तो उसके साथ रहें। पंडित जी, अगर मकर राशि वालों को कारोबार में किसी तरह की परेशानी आ रही है उसके लिए उन्हें क्या उपाय करना इसके लिए वो श्री सूक्त का पाठ देसी घी का दीपक जला करके अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पे या अपने घर में कर सकते हैं। चलिए पंडित जी, अब बात करेंगे कुंभ राशि की। जी,
कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनकी मानसिक शांति तो रहेगी पर उनके आत्मविश्वास में कमी भी रहेगी। इस सप्ताह किसी मित्र का आगमन भी हो सकता है, परिवार के साथ यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है, खर्चों की अधिकता रहेगी और आपके संचित धन में कमी आ सकती है। शैक्षिक कार्यों की सुखद परिणाम मिलेंगे। आपके लिए उपाय है, किसी नदी में या गंगा में स्नान करके तिल जौ चावल लेकर के अपने पितरों का तर्पण करें। पंडित जी, अगर कुंभ राशि वालों के घर में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है उसके लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? उसके लिए उन्हें अपने बुजुर्गों से, अपने गुरु से, अपने गुरुजन से या कोई उनके उनसे सलाह लेनी चाहिए, कोई ना कोई उसके लिए अनुष्ठान वगैरह करना चाहिए, कराना चाहिए। चलिए पंडित जी, बात करेंगे मीन राशि की। जी, मीन राशि वालों को मानसिक तनाव रहेगा, क्रोध और आवेश की अधिकता हो सकती है, परिवार में भी तनाव की स्थिति हो सकती है और परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। संतान को स्वास्थ्य विकार हो सकता है और आपको आपके भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आपके लिए उपाय है, अपनी जेब में हल्दी की गांठ को हमेशा रखें। लेकिन पंडित जी, मीन राशि वालों को अगर मानसिक तनाव कम करना हो उसके लिए उन्हें क्या उपाय करना? उसके लिए उन्हें उपाय है, नशे से तो खैर दूर रहे, सिर्फ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथाशक्ति एकांत में बैठकर जाप करें। तो देखिए, भविष्यवाणी में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर गौरी सम, वंदे गंगा धरणी सम, रुद्रम पशुपति मीसानम, कलये कासे पुरनाथम, भज भाल लोचन परमानंद, श्री नील कंठम तोम शरणम, शिव असुर निकंदन, भव भय बंधन, सब जग के प्रतिपाला, ओम मावा गमन मिटाओ, भोले शंकर भज शिव बारंबारा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।